आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का अवमान 0.124 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यूरिया का अनुभार ज्ञात करो। जल के लिए Kf बराबर 1.86 केल्विन kg मोल की घात -1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया यूरिया के 0.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का अवनमन, यानी कि हमांक में अवनमन दिया गया है। यूरिया का अनुभार ज्ञात करके हमें बताना। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं दोस्तों। हम प्रश्न द्वारा हमें अनुभार ज्ञात करना है। अब प्रश्न द्वारा दिए गए संख्या से जब इसे हम करेंगे, ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। तो प्रश्न में जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया, यूरिया के 0.4 ग्राम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान Wb बराबर 0.4। ठीक है, अब हम देखेंगे विलायक का द्रव्यमान Wa है। ठीक है, जो कि हमेशा विलायक क्या होता है, विलायक की मात्रा अधिक होती है विलयन में। तो ये दिया गया है 100 ग्राम घोलने पर विलयन का अवनमन, यानी कि हिमांक में अवनमन ΔTf बराबर 0.124 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें दिया गया है Kf, अवनमन स्थिरांक बराबर 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों अर्थ। विलयन स्थिरांक का मान 0.021 लीटर atm पर मोल केल्विन। ठीक है, तो अब जब हम इस सूत्र में लेंगे, हमें क्या ज्ञात करना, अनुभार हमें अवनमन दिया गया। तो सूत्र में देखेंगे दोस्तों, हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र होता है ΔTf बराबर Kf गुने विलय का द्रव्यमान गुने 1000 बटे गुने विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान Wa गुने विलायक मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हमें Mb ज्ञात करना है दोस्तों, हमें अनुभार करना है। अनुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान। Mb बराबर क्या हो जाएगा, Kf Wb गुने 1000 बटे यहाँ आ जाए ΔTf गुने Wa। ठीक है, तो इस सूत्र में अब संख्या डालते हैं, यानी कि 0.4 गुने Kf कितना है दोस्तों, 1.8 गुने गुना 1000 बटे ΔTf क्या होगा, ΔTf हमारा 0.124 गुने Wa 100। ठीक है दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान 100 है, तो Mb बराबर आ जाएगा हमारे पास 744 बटे 12.4। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर, अर्थात ये अनुभार आ गया। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन का सूत्र प्रयोग करके हमने अनुभार ज्ञात कर लिया, 60 ग्राम प्रति मोल हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।